अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डियर फ्रेंड्स, आज हमारे न्यू लेक्चर है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के हवाले से। तो आज हम इस वीडियो में कम्प्लीटली कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट के हवाले से पढ़ेंगे कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट किन ममालिक को कहा जाता है। तो चले स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के हवाले से, बिल्कुल इसी तरह कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट भी है। हमने कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन में पढ़ा है कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन में वो ममालिक है जो अपने आज़ादी से पहले, अपने फ्रीडम से पहले ब्रिटिश एम्पायर के हिस्सा थे, और बाद में जब उन्होंने अपना आज़ादी का ऐलान किया तो उसके बाद वो स्टेट कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन कहलाए गए। बिल्कुल इसी तरह कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट भी, पहले ये जो स्टेट थे ये USSR या यूनियन ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक के हिस्सा थे। जब USSR 1991 में टूट गया तो इससे मुख्तलिफ 15 स्टेट अलग हुए, जिनमें सिर्फ सिक्स जो सेंट्रल एशियन स्टेट थे। फिर इन स्टेट को हम कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट कहते हैं। अगर हम इसको हिस्ट्री देखें USSR का, सबसे पहले USSR यूनियन ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक, फर्स्ट टाइम ये दिसंबर 1922 में रशिया के प्रेसिडेंट लेनिन ने एक यूनियन बनाया। एशिया, जो एशिया में मुख्तलिफ एशियन सेंट्रल एशियन स्टेट थे, और दूसरे इसके बॉर्डर जो दूसरे ममालिक के साथ था और एशिया, यानी 15 स्टेट के दरमियान एक उन्होंने एक USSR एक यूनियन बनाया जिसको नाम दिया गया यूनियन ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये दिसंबर 1992 में बना, और ये दिसंबर 1991 में किस तरह टूट गया, इसका मेन रीज़न ये था जब USSR 1979 में अफगानिस्तान में इंटर होते हैं काबुल में। 10 साल तक USSR जो है वो अफगानिस्तान में वार करती है, और यहाँ से फिर 10 साल के बाद मायूस होकर यहाँ से 1989 के बाद यहाँ से चला जाता है। तो उसके बाद हम देखते हैं 1989 के बाद USSR का जो इकोनॉमिक ग्रोथ था, वो एक इकोनॉमी था, वो वीक हो गया। उसकी वजह से दिसंबर 1991 में USSR टूट गया मुख्तलिफ 15 स्टेट में। इन 15 स्टेट में 6 सेंट्रल एशियन स्टेट थे जिनको हम मुस्लिम स्टेट भी कहते हैं, और एक रशिया ख़ुद था, और बाकी 8 स्टेट दूसरे नॉन मुस्लिम स्टेट थे जो इससे अलग हुए। तो उसके बाद हम देखते हैं कि 8 दिसंबर 1991 को उन्होंने जो स्टेट इनसे अलग हुए, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट उनको कहलाया गया, और कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया गया 8 सितंबर 1991 को एक एग्रीमेंट के तहत, विस्कुली एग्रीमेंट उसको कहा जाता है, जो उस वक्त तीन बड़े जो फाउंडर से स्टेट थे जिनमें रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, इन्होंने इस एग्रीमेंट विस्कुली एग्रीमेंट पर साइन किया 8 सितंबर 1991 को। उसके बाद कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट एक जो ये इस एग्रीमेंट के तहत ये बनाया गया। फर्स्ट टाइम इसके जो मेंबर स्टेट थे वो 12 थे, लेकिन अभी इसके जो मेंबर स्टेट है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट के, वो इस वक्त 9 हैं। और उन 9 स्टेट का नाम जो है, जिनमें आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्डोवा, रशिया, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान हैं। और जो बाकी 3 स्टेट थे उनमें 2 स्टेट ऐसे हैं जो रशिया की वजह से उन्होंने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट से रिज़ाइन किया। फर्स्ट स्टेट जो है वो यूक्रेन है। यूक्रेन पहला फर्स्ट टाइम ये इस कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट का हिस्सा था, लेकिन हम देखते हैं जब रशिया 2014 में जब वो यूक्रेन की ऑटोनोमस रिपब्लिक क्रीमिया में इंटर होते हैं इलीगली तौर पर, तो उसके बाद यूक्रेन जो है वो इससे परमानेंट विड्रा कर लेती है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट से। और सेकंड स्टेट जो था वो जॉर्जिया। जॉर्जिया भी 1993 में इस कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट का हिस्सा बनी, लेकिन हम देखते हैं 2009 में ये ऑफिशियली विड्रा कर लेती है इस कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट से। उसका मेन रीज़न ये था कि जब रशिया जॉर्जियन पर अटैक कर लेते हैं, जिसको हम लोग रशियो जॉर्जियन वॉर भी कहते हैं, तो इस वजह से ये दो स्टेट इस वार की वजह से जो एक जो स्टेट जो है यूक्रेन 2018 में इससे विड्रा कर लेती है परमानेंटली कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट से। सेकंड जो है वो जॉर्जिया जो है 2009 में ऑफिशियली विड्रा कर लेती है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट से। और जो 12 स्टेट जो है तुर्कमेनिस्तान, ये एसोसिएटेड स्टेट कहलाया जाता है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट के।
और जो दो ऑब्जर्वर स्टेट है इसके, अफगानिस्तान मंगोलिया जो है वो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट के ऑब्जर्वर स्टेट हैं। और कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन पर्पस ये है, तीन मेन ऑब्जेक्टिव्स है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इसका ये कॉपरेशन इन द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, कल्चरल फील्ड्स के कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो ताउन करे पॉलिटिक्स के वाले से, इकोनॉमिक के वाले से, एनवायरमेंटल कल्चर के वाले से, कि वो इन मेंबर स्टेट के दरमियान इन हवाले से काम करे। सेकंड इसका ऑब्जेक्टिव जो है बैलेंस्ड इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट मेंबर्स, कि वो इस कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट मेंबर्स के दरमियान सोशल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बैलेंस करें। थर्ड जो है वो पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स एंड कॉम्प्लेक्स बिटवीन द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट मेंबर्स के दरमियान। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि पीसफुल सेटलमेंट, के एक दूसरे के साथ ना लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, यानी डिस्प्यूट मुख्तलिफ ये कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे। लेकिन हम देखते हैं कि रशिया बार बार इस जो इसके कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट के जो चार्टर में तीसरा पॉइंट फीस पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट एंड कम्प्लेट बिटवीन द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट के जो एक पॉइंट इसके बार बार खिलाफ वर्जी करते रहे, जिसके वजह से हम देखते हैं 2009 में जॉर्जिया जो इससे कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट से रिज़ाइन कर लेती है परमानेंटली 2009 में। सेकेंड जो स्टेट है वो 2018 में यानी 2018 में परमानेंटली इससे रिज़ाइन कर लेती है यूक्रेन, जिसका नाम है, क्योंकि रशिया इस पॉइंट का खिलाफ वर्जी कर लेते हैं, क्योंकि वो इलीगली तौर पर इन स्टेट के अंदर जाते हैं, उसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो आज हमारा लेक्चर इतना ही था इसके हवाले से, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट के हवाले से, जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट की जो मेन फाउंडर स्टेट जो है इस वक्त वो है रशिया, यूक्रेन और बेलारूस। यूक्रेन तो इस वक्त इसको परमानेंटली विड्रॉ कर लिया, इसको कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, यानी इसके जो अभी फाउंडर रह गए, जो इसको कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट को जो फाउंडर्स है, जो इसकी मीटिंग्स अरेंज कराते हैं, इनवॉल्व मीटिंग अरेंज करवाते हैं, वो एक रशिया बेलारूस इसकी मीटिंग्स अरेंज करवाते हैं। तो आज हमारा लेक्चर इतना ही था कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट के हवाले से, कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स उन ममालिक को कहा जाता है जो पहले यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक का हिस्सा थी, लेकिन हम देखते हैं 1991 के बाद ये यूनियन टूट जाता है मुख्तलिफ स्टेट के दरमियान, बाद में उन ममालिक को हम कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट कहलाते हैं, जिससे हमने कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में उन ममालिक को कहा जो पहले ब्रिटिश एम्पायर की हिस्सा थे, और उसके बाद जब उन्होंने अपने आज़ादी का ऐलान किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो उन स्टेट को हम लोग कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन कहते। बिल्कुल इसी तरह ये पहले उसकी हिस्सा थी, जब बाद में उससे अपने आज़ादी का ऐलान किया उसको हमने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट कहलाया। तो आज हमारे लेक्चर इतना ही था इसके वाले से, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, वसलाम।